राधे राधे जय श्री कृष्ण। जीवन की एक सच्ची घटना बिल्कुल रियल कहानी है जो हमने अरीब गरीब घटनाएं अपने जीवन में देखी है, मैके से ससुरे तक। तो दोस्तों वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो कल जहां मैंने वीडियो समाप्त किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। भाभी का मार डाना, पूरा घर जेल में जाना, बिस्तर नसीब ना होना, घर से बेघर होना, घर में दिया ना जगना। तो दोस्तों ऐसी किसी दुश्मन को भी ये समस्या ना हो। अगर किसी भाई बहन को हुई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। भगवान से यही विनती करूंगी, भगवान किसी को ऐसा कष्ट ना दे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो दोस्तों मोटिवेशनल थॉट के साथ वीडियो को शुरू करती हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, जब मेरी भाभी ख़त्म हो जाती है, सारी उनकी जो मिट्टी होती है वो लग जाती है, सारे लोग अच्छे से अपने अपने घर जाते हैं, मगर ऐसा कुछ होता है बीच में कि हम लोगों को पता नहीं था, जो उनके पिता थे और उनके पिता के साथ उनकी जो मम्मी ख़त्म हो गई थी, उनके बाद उनके जीवन में कोई एक और औरत आई थी, वो उनके पिता के साथ मेरे गांव में ही रात को रुकी थी। हम लोगों को कोई पता नहीं था, बाद में पता चला जिस गांव में मेरी ममाना था, मतलब जिस गांव की भाभी थी, उसी गांव में उस इंसान का उसका भी ममाना था, वहीं वो लोग रुके थे। तो ऐसी उन्हें भूचाल मचा दिया कि उसको ऐसे कान भरे कि वो सुबह उठते ही उसको थाने में ले गया, उसने रिपोर्ट की। इसके बाद घर में पुलिस आना चालू हो जाता है, सारे घर के नाम लेते हैं, सारे घर वाले हमारे जो दीदियां थी शादी वाली दोनों उनके भी नाम लिखे थे, एक और हमसे बड़ी थी उनका भी नाम लिखा, सिर्फ मैं ही छोटी थी तो हमारा कोई नाम नहीं था। तो दोस्तों सारे घर में जेल थाने में नाम लिख गया था और हम लोगों की ऐसी बदतर जिंदगी हो गई थी कि उनका दिन और जो तेरह होती है वो भी करने में मुश्किल हो गई थी। तो दोस्तों हर रोज दिन में 2 से 3 बार पुलिस का आना, हम लोग घर से बेघर हो गए थे, बाबू और का बिल्कुल घर में आना नहीं था, कहीं खेतों में सोते थे, कहीं नदी के किनारे, खाना भी नसीब नहीं होता। तो दोस्तों ऐसी समस्या भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। तो भगवान से यही विनती है, अगर भगवान सुनता भी है, सच्चाई का फल भी मिलता है दोस्तों, सच्चाई के रास्ते जरूर चलते रहिए। इसके बाद जब उनका दिन होता है तो उस दिन क्या पुलिस का आना होगा, मगर जल्दी जल्दी सारा दिन किया, दिन की बात की, ऐसी जो सटपट होता था सुबह जल्दी जल्दी किया, शाम होने के बाद जैसा शाम हुआ जैसे पुलिस फिर आ गई, मगर सारा सब कुछ संभाल लिया था क्योंकि मेरे बाबू कुछ थोड़ा बड़े लोगों की संगत थी। तो कुछ पुलिस वालों ने बोल दिया था घर में कोई नहीं मिलना, हम घर में आएंगे जरूर मगर घर में कोई नहीं मिले, नहीं हमारी मजबूरी हो जाएगी, हम पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों घर में कोई नहीं रहता था, सिर्फ मैं थी छोटी तो बच्चों के साथ इधर उधर खेलती रहती। जब पुलिस आती थी तो हम बच्चों के साथ थे, बच्चों से पूछा जाता था कि बहू कैसे ख़त्म हुई, तो बच्चों कहते कुछ नहीं बीमार हुआ है इसलिए ख़त्म हो गया। बच्चे नादान होते हैं 8 से 10 साल के, वही बच्चे उसी में बीच में मैं थी, तो ऐसी सारी बातें पूछ के वो चले जाते थे। और घर में मेरे कोई नहीं रहता, जो हमसे बड़ी बहन थी वो बड़ी बहन के साथ उनके ससुराल में चली गई। तो दोस्तों इतनी कठिनाई झेलनी पड़ी कि हमारे बाबू ने जो इतना पैसा लगा था, जो सारा घर में जेवर था और सारी मतलब खेती वेती जो थी, जो मतलब घर में नाच गलता था, सारा बेच के लगवा दिया, मगर हम लोगों को जेल नहीं जाना पड़ा। गांव के लोगों ने, एक दो लोग तो काफ़ी कोशिश की कि इनकी खेत भी बिक जाए, इतना इसे मतलब फंसाया जाए, मगर जब भगवान साथ देता है तो कुछ भी नहीं होता और सच्चाई का भगवान साथ जरूर देता है। तो ये घटनाएं दोस्तों चलती रही, हर रोज पुलिस का आना, घर में कोई ना मिलना। और जी दोस्तों जब उनके एक बार उनके पिताजी, उनके जो भाभी का मतलब पिता था, उनके गांव वाले 2-4 लोग पुलिस वाले के साथ आए कि शायद कोई घर में मिल जाए, तब हम लोगों ने घर बिल्कुल खाली कर दिया था, घर में दिया नहीं जगता था, मैं अकेली थी, अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, छोटी थी, 8-9 साल की थी लगभग। तो हम लोग बाहरी बार रहते, तो हम अपने एक परिवार की बड़ी अम्मा के घर पे रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, बाकी घर में कोई भी नहीं रहता था। तो दोस्तों ऐसा होते होते फिर क्या हुआ कि सारी चीज़ें बाबू मेरे ने निपटा ली, ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा रही हमारे घर पर।
तो दोस्तों ये सारी घटना हमारे घर चलती रही। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब एक बार ऐसा हुआ कि दीदी जो मेरी थी बड़ी वाली, उनके साथ बहुत बड़ा गंभीर हुआ। वहाँ ससुराल वाले भी उन्हों को बुरा भरा बोलने लगे कि तेरे भाभी मार डाली, तुम्हारे मायको वाले ने ये है वो, बहुत सारी ऐसे गांव के लोग भी कहते थे तुमने मार डाली। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह के सामने नहीं कहते मगर मुंह के पीछे तो ज़रूर कहते हैं। तो ऐसी सारी हम लोगों को एकदम बदनाम हो चुके थे कि तुमने अपनी भाभी मार डाली है, ये है वो है। अब जो हमसे बड़ी दीदी थी उसकी शादी के लिए कि वो भी 17 साल की होने वाली थी, मतलब 16 की होकर के 17 में लगी, तो उनकी शादी जल्दी करनी पड़ती थी क्योंकि गांव के कुछ अलग रिवाज हो गए थे ये माहौल के बाद। तो भगवान, कुछ हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे थे जिन्होंने बहुत साथ दिया, उनका आज भी हम भगवान से शुक्रिया करते हैं कि उन्हें कभी कुछ ना हो। तो ऐसी समस्या दोस्तों हमारे घर में हुई जिसकी वजह से हम लोगों को इतना समस्या झेलना पड़ा, न खाना न पीना, नहाना धोना सारी चीज़ हराम हो गई थी। 3 महीने तक हमारे बाबू ने घर में पाए नहीं रखा था, ना भाई ने, सारे लोग बाहर रहते थे। 3 महीने के बाद अगर कहीं कोई बारात भी आती थी तो ये लगता था जैसे पुलिस की गाड़ी आती, ऐसे कानों में आवाज़ गूंजती। दोस्तों ऐसी समस्या से हम लोग गूंजे थे कि आज भी हमें याद था अगर कोई गाड़ी आती तो यही लगता रहता। और अंदर हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाते थे, एक दो लोग जब सारे लोग साथ में जाते ये लगता था कि भाभी कहीं अंदर ना हो। और हकीकत ऐसा होता था कि मर्द लोगों को कुछ कम डर लगता मगर भाई मेरा बहुत डरता था। एक बार क्या हुआ, बाबू अंदर गए अकेले तो भाभी गेट में खड़ी थी, बिल्कुल गेट जाम करके, तो बाबू का वहीं से आवाज़ आया और एकदम वहीं बेहोश हो गए कि देख करके। तो दोस्तों मरे में भी लोगों को कोई मतलब रहम नहीं होता, घर में आती है वो आत्मा आती रहती, ये सच्ची बात है कि घर में आती। एक नहीं बहुत सारे बार हमारे घर में ऐसा हुआ, भाभी का कहीं बर्तन खटखटाना, कहीं कहीं से आवाज़ आना, कहीं कुछ चीज़ों की आवाज़ आती रहती कि ढेर सारे कभी कभी बर्तन ये लगते हैं गिर रहे हैं जैसे कोई मांझ रहा हो। ये दोस्तों मरे में भी कुछ लोगों की आत्माएं आती हैं, कुछ करते हैं, ये सच्ची बात है। तो इसके बाद दोस्तों जो मेरी दीदी थी हमसे बड़ी, उसकी शादी के लिए फिर कई लोगों का निगाह हो ज़्यादा अलग हो जाता है, तो हाई स्कूल की थी। इसके बाद उनके शादी के लिए लड़का देखा तो गांव की कुछ लड़की थी, उन्हें कि मतलब रिश्ते से उनका देवर था, उनके साथ शादी की गई। इसके बाद दोस्तों क्या हमारे घर के हाल काफ़ी ख़राब हो गए थे, मतलब ज़्यादा उन्हें कुछ शादी में नहीं दिया गया था और ऐसी निपट गया था। वो भी लोग ससुराल वाले भी अच्छे थे क्योंकि दीदी मेरी पड़ी थी इसलिए उनको मतलब शादी कर ली, कि कोई मांग जांच नहीं थी। मांग जांच भी थी वो भी नहीं दे पाया मगर उनके ससुराल वालों ने कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों इनकी शादी होगी मेरी बहन की। इसके बाद क्या होता है, जो मेरा भाई था जिसकी मतलब भाभी ख़त्म हो गई, 2 से 2.5 साल हो गए, उनके रिश्ते आने लगे, तो ब्याह तो मतलब शादी तो करना पड़ेगा। तो उनके लिए फिर लड़की देखी तो अब क्या होता है पूरा उल्टा हो जाता है। जितनी वो सुंदर थी, जितना उसमें सहनशीलता था, उतनी इसमें पूरा उल्टा हो गया, खास पूरा उल्टा हो गया। उतनी जो बदतमीज, उतनी बेसूरत, जब कहते नहीं जब अपना सिक्का खोटा होता है तो क्या देख। तो सिर्फ इतना था, वो पढ़ी नहीं थी, ये इंटर की थी, यही थी, बाकी उसमें कोई अच्छाई नहीं थी। तो दोस्तों क्या है, करना पड़ता है, जब ऐसी समस्या आ जाती है तो शादी के लिए हाँ कर देते, जब शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद हाँ हम लोग देखने गए तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं थी मगर क्या होता है वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। फिर भी दोजिया का नाम हो गया तो शादी के लिए बाबू ने हाँ कर दिया। हाँ इसके बाद शादी होती है, शादी होती क्या घर में जिस दिन रसोइया होती है तो उस दिन रसोइया होने के लिए घर में नौटंकी जीजा लेके आए। तो नौटंकी हुई सवेरे, इतनी भयंकर मेरे बाबू की तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक हो गया कि इधर सुबह बिल्कुल 5 बजे एकदम बेहोश हो गए, बहुत भयंकर दर्द, इनको कानपुर ले गया। शादी तो यहीं रहेगी और बाबू को लेकर के कानपुर हम लोग मतलब मेरे जो जीजू थे छोटे वाले और सारे लोग लेकर के इनको
कानपुर रेफर कर दिया। तो वहाँ हफ्ता भर रही यहाँ शादी की तैयारी। अब क्या शादी तो मंडप गड़ गया है, उधर दुल्हन बैठी पीरे हाथ की, तो बारात तो जानी थी तो भैया नहीं गया। जैसे तैसे बैंड एंड बाजे सब कैंसिल किए, बारात गई। ऐसी बारात जाती है, मम्मी को नहीं भेजा था हम, मम्मी ऐसे रोते रोते बारात को तैयार किया भेजा। और वहाँ जब गए तो वहाँ का क्या जो होता है, मतलब ससुराल में जब बारात जाती तो कहते हैं नहीं, उसके बाप ने बहाना बना लिया। तो दोस्तों ये ऐसी समस्या हमारे घर में आती रहती, पता नहीं किसकी नज़र लगी थी। इधर मेरे जो बाबू थे एकदम बीमार, बहुत भयंकर बीमार थे, सांसें लड़ रही थी, उन्हें नाटक लग रहा था कि मेरे लड़की की शादी है और बैंड बाजे नहीं लेके आए, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए। तो कुछ लोगों ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं, उसका बाप कानपुर में भर्ती है, ये का वो बारात लेके आगे नहीं, आपकी लड़की यूं ही हाथ फैला के रह जाती क्या होता। तब उनकी जो माँ थी बहुत जालिम थी, बहुत जालिम, उसने बहुत सारा नाटक किया कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं लेकर आया, हमने कितना खर्च की, तुम्हें खर्चों की पड़ी, वहाँ जानों की पड़ी है, अगर आपको शादी करना हो तो कर लो, नहीं बारात लेकर के जा रहे। जो मेरे गांव के थे उन्होंने लोग बोला, तो उनका भाई था, जो भाई था उन्होंने कहा नहीं सब ठीक है, हम कर लेते, पहले ज़्यादा फोन उन थे ही नहीं थे जिससे बात हो जाए, क्या हो जाए, ना इधर की खबर ना उधर की खबर। जब बारात लेकर गए, जब उन्होंने देखा बैंड बाजा नहीं, कुछ सारी चीज़ें थी, बैंड बाजा थे, वो बैंड बाजा वाले बोले कि मैं नहीं बजाऊंगी, मैं लेके लौटा के जा रहा, तुम्हारा जब पिता इतना सीरियस है हम क्या करेंगे, तो वो लेकर के चले गए। अब जब बारात आती है, वहाँ लौट करके आते हैं, तो भाभी आती, भाभी को देख करके इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, एकदम मतलब सांवला कलर, छोटे कटकी, और मतलब सिर्फ इतना ही था कि वो इंटर की थी और बाकी सब आउट एरिया, मतलब अपोजिट हो गया था पूरा। तो वो देख करके सब बेकार लगने लगा। इसके बाद फिर मेरी मम्मी इधर बारात का आना हुआ, और जैसे इधर से मतलब उधर से बारात आ रही थी, इधर से मम्मी जा रही थी बाबू के पास, तो रास्ते में भाभी को मिलना हुआ और बोला हम तो जा रहे। ये सारी कहानी हमारे घर में चलती रही, ना तो शादी का कोई मतलब महत्व निग्रह हो। इधर मेरे बाबू इतने भयंकर बीमार हो गए, हम लोगों से ये लग रहा था कैसे मेरे बाबू ठीक हो जाए। तो मम्मी सब कुछ छोड़ करके, मेरे भरोसे सब छोड़ करके चले गई। अब इसके बाद भाभी आती है, भाभी का आना जाना घर में मतलब दो से तीसरे दिन वो चले गए, तब भी मेरे बाबू नहीं आए, वो उनकी चौथी चला दी, फिर भी मेरे बाबू नहीं आए थे। बाबू आए थे करीब 10-12 दिन के बाद। अब भाभी ने ड्रामा वहाँ क्या किया कि वो लोग ऐसे हैं, ये है, उन्होंने क्या देखा, हम लोग तो खाना भी नसीब नहीं हो रहा, एक बाप की चिंता थी। वो इतना बदतमीज बहू मिली कि कुछ कहने को नहीं। इसके बाद दोबारा उसका आना हो, बाबू ठीक हुए तो कि बेटा जो तुम्हें कमी है हम सब कर देंगे, मगर हमें ठीक तो होने दो। उसका यही हाल रहा, घर में दूध तो नहीं था, उसकी जेठ मास में दूध ज़्यादा नहीं होता है, तो दूधिया से कटाए थे, वो दूध आया जैसे सब लोग घर में खाते, तो उसको भी दिया गया। उसने बोल दिया कि इसमें जहर मिला, उसने दूध खाया हो भगवान जाने या नहीं खाया हो, फेंक दिया। उसने अपने मायके में बोला जाके उसमें तो दूध में जहर मिला के हमें लोग दे रहे थे, हमें ये मारने के लिए सोच रहे थे। उसने क्योंकि हमारे मतलब घर में बिगड़ चुकी थी कि भाभी खत्म हो गई थी, उसने कुछ लोगों का कहना था कि इन्होंने मार डाला है, तो वो भी आकर के बदनामी में चालू हो गई थी। तो दोस्तों क्या कहते हैं, जब भगवान एक मुसीबत छूटती नहीं है दूसरी तैयार हो जाती है। हम लोगों ने सोचा था पड़ी है तो अच्छी सभ्यता वाली होगी, मगर नहीं, हमारे घर में सारे लोग पढ़े हैं, कोई बिना पढ़ा नहीं था, मगर उसके अलग रिएक्शन थे, न छप न सूरन न कोई, मतलब उसकी मिजाज अलग थे, एक अलग मिजाज की थी। तो उसने ये क्रिया करी, फिर उसका घर में ना आना ना जाना कुछ नहीं, कभी आई तो चूल्हा लग लिया, कभी भूत खेल रहे, कभी कुछ खेले, ऐसी नौटंकी। उसने फिर भाई को उसके साथ ही रहना पड़ा, तो बाबू ने कहा तुम अलग रहो, अगर तुमको अलग रहना है तो अलग रहो, ये ड्रामे मत करो, हम वैसे भी
बिगड़ चुके हैं, अब हमें ये ड्रामे मत दिखाओ बेटा, आप अलग रहो। तो बाबू ने भाई को अलग कर दिया। फिर भी उसका वही रिएक्शन, घर में रहना, कहीं इधर से उधर, बहुत सारी घर में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों भाभी इतनी क्या कहें हम, इतना उसने घर में ड्रामे फैलाए, इतनी बदनामी की, फिर भी उसको अलग किया गया। भैया से बोला तुम अपनी पत्नी को देख करके रहो, बाबू ने बोला हमारे बच्चों को हमको मत देखो। तो भैया को वहाँ आना जाना और वही नी के साथ, वो कभी 10-15 दिन यहाँ नहीं रहती थी, मायके में ही उसका आना जाना। तो दोस्तों ये हमारे घर में ऐसा हो रहा था। तो इन देख देखे हमारी तो जिंदगी ये लग रहा था, काश हमारे घर में ये सारा दुख क्यों दिया जा रहा है। सोचा था भाभी पढ़िए तो अच्छा होगा, हम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा, मगर उसने सारा उल्टा करके रख दिया। तो दोस्तों ये ऐसी घटनाएं घर में होती रहती हैं। तो दोस्तों क्या बताएं, जो हमारे घर की ऐसी समस्याओं से हम तो बिल्कुल ऊब चुके थे। ये लगता था क्या है जिंदगी, कभी सुखी नहीं देखने को मिलता है। तो हमारे बाबू फिर ठीक, उनका फिर ढेर सारे उनके मतलब जेब में गोली डरी ही, क्योंकि हार्ट अटैक आदमी कब उसको आ जाए, तो उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं देते थे। हम सारी समस्या हम लोग सॉल्व करते थे, बाबू को ज़्यादा नहीं देते थे। तो दोस्तों ये हमारी घर की सच्ची घटनाएं हैं दोस्तों। तो किसी के साथ ऐसा ना हो, भैया की शादी में बाबू का बीमार होना और भाभी आती है जहर देना हमको मानने को लिए, अलग भी कर दिया, फिर भी उसको तसल्ली नहीं थी। हमारे जो दीदी थी उनके दो बच्चे छोटे छोटे हम रखते थे अपने बूते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। दोस्तों अगर ये सारी समस्या किसी भाई बहन के साथ हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भगवान से यही विनती करती है, भगवान किसी को ये समस्या ना दे, हंसती खुशी उसकी ज़िंदगी के पल बीते, यही भगवान से विनती है हमारी। तो मिलेंगे दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।